हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेहद ही आसान से तरीके के सैंडविचेस घर पे बनाने वाले हैं। ये मलाई सैंडविचेस हैं जो मार्केट में आप खाते हैं, और घर पे बनाना इनको बेहद ही ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं ये सैंडविच। इस सैंडविच को बनाने के लिए हमें गाजर की ज़रूरत होगी। थोड़ी सी गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और उसी के बाद हम थोड़े थोड़े खीरे भी ले लेंगे और उसको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। आपकी मात्रा डिपेंड करती है कि आप कितने सैंडविचेस बनाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ 3-4 सैंडविचेस ही बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही खीरा लिया है। आप ये सब लेने के बाद थोड़ी और वेजेस भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स। मेरे को पत्ता गोभी कच्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पत्ता गोभी को ऐड नहीं करा है। मैंने सिर्फ गाजर ली है और खीरा लिया है और शिमला मिर्च ली है, और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा धनिया लेके उसे भी पतला पतला चॉप कर लिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मैं थोड़े से कॉर्न्स और मटर को बॉईल कर रहा हूं, ताकि वो भी मैं इस सैंडविचेस में ऐड कर सकूं। कॉर्न्स और उबले हुए मटर का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो ये अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं। और मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आप चाहे तो उबले हुए आलूओं को इग्नोर भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा आलू पसंद है सैंडविचेस में, भरा भरा सा फ्लेवर देता है, इसलिए मैंने आलू ऐड करा है। और इसी मिक्सचर में मैंने जो गाजर काट के रखी थी और खीरा और धनिया, उसे भी ऐड कर लूँगा। और ये सब ऐड करने के बाद मैंने जो 2 चीज़ें उबाल के रखी थी, यानी कि कॉर्न्स और मटर, उनको भी इसी में ऐड कर लूँगा। आप जो भी वेजीज चाहें घर में वो ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो भी वेजीज अवेलेबल हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो इस टाइम इग्नोर करे। तो चलिए दोस्तों, हमारा मिश्रण जो है सब्जियों का वो तो तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमने थोड़े से स्पाइसेस को ऐड करना आप स्पाइसेस जो भी आप चाहें वो अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस में आपके पास ढेर सारी वैरायटी घर पे होती ही है, तो मैंने इसमें नमक डाल लिया है। साथ ही में थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स या फिर रेड चिल्ली पाउडर को ऐड कर सकते हैं आप। थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें गरम मसाला। मैंने इसमें गरम मसाला डालने के साथ साथ इसमें डाल लिया थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग और थोड़े से हर्ब्स। आपके घर में इटालियन सीजनिंग ना हो तो आप इग्नोर कर ले, लेकिन इटालियन सीजनिंग का इसमें फ्लेवर बेहद ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इटालियन सीजनिंग यानी कि ऑरिगेनो। और साथ ही में थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स अगर घर पे हो तो ज़रूर ऐड कर लें। साथ ही में दोस्तों, इसमें मैंने चंकी चाट मसाला भी डाल लिया है, ताकि थोड़ा सा चटोरा टाइप फीलिंग दे सके। इसी बीच दोस्तों, जब तक मैं ये मसाले मिक्स करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमने इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, वो हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे आसान रेसिपीज़ का लिंक है, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। अब हमने घर में पड़ी हुई मलाई इसमें ऐड कर ली है। आपके घर में मलाई हो या फिर क्रीम हो, कुछ भी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद चाहें तो 1-2 ड्रॉप्स दूध की भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मलाई ऐड कर लिया है, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर चाह रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा कम क्रीमियर चाहिए था, इसलिए मैंने कम मलाई ऐड कर ली, लेकिन मलाई के सब्स्टिट्यूट में मैं इसमें थोड़ा सा सैंडविच स्प्रेड डाल रहा हूँ। अगर आपके घर में सैंडविच स्प्रेड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसमें मलाई की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लें और ये अपने आप ही थोड़ा और क्रीमियर हो जाएगा। बस तो दोस्तों, इसमें जैसे ही मैं थोड़ा सा सैंडविच स्प्रेड डालूंगा, ये अच्छे से टॉपिंग बनके तैयार हो चुकी है ब्रेड की, और बिल्कुल बाजार जैसे हाइजीनिक सैंडविचेस अब आप घर में बना रहे होंगे। तो चलिए, ये मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम एक तरफ ले लेते हैं ब्रेड को, जिसकी हम एजेस को काट लेंगे। आप कोई भी घर पर ब्रेड ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, और नॉर्मल मैदे की ब्रेड भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 पीस मैदे की ब्रेड के ले लिए हैं, और 2 मैं और ले लूँगा इसके बाद, और इन सब के एजेस को मैं काट लूँगा। दोस्तों, एजेस को काटने का इसलिए मकसद होता है मेन, कि इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, थोड़ा भारी भारीपन निकल जाता है सैंडविचेस में से, और इसकी लुक बेहद ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो चलिए, जब ये चलन चल ही चुका है तो हमने भी इसके एजेस काट ही लिए। अच्छे से एजेस काट लेंगे, 2 और ब्रेड्स लेके उनके भी काट लेंगे, और 4 ब्रेड्स को मैंने अपनी प्लेट में रख लिया है, और मिश्रण अच्छे से तैयार है, तो मैं इन 2 ब्रेड्स की अच्छे से टॉपिंग कर लूँगा। दोनों ब्रेड्स की अच्छे से टॉपिंग करने के बाद जो भी स्पाइसेस आप चाहें, जैसे कि चाट मसाला, ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, अमचूर, किचन किंग, कुछ भी आप चटकारा मसाला, कुछ भी आप डालना चाहते हो इनकी टॉपिंग में डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मसाला नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए मैं टॉपिंग में भी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी तो ब्रेड पूरी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से इसकी टॉपिंग करके इसको प्रेस कर लेता हूँ, और मैं अपनी इसको डिज़ायर्ड शेप में काट लूँगा। और मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ, ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आया है,
घर पे, और जो कच्चे जो उबले हुए मटर हैं, जो कॉर्न्स हैं और जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ढेर सारे चांद लगा देंगे फ्लेवर में दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक कच्ची शिमला मिर्च भी छोटी सी जो थोड़ी सी हमने डाली है वो बहुत ही ज़्यादा इसको टेस्टी बना देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे सैंडविचेस बनके तैयार हो गए हैं, कर लें इनको अच्छे से स्पाइसेस डालने के बाद पैक और काट लेंगे इनको अपनी डिज़ायर्ड शेप में। और यही है हमारी आज की स्पेशलिटी, इसको घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और डिलीशियस फूड पे आके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी और क्या आप भी ये सैंडविचेस घर पे बनाना पसंद करेंगे। हम चलते हैं दोस्तों, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें डिलीशियस फूड को, और ज़रूर इसी में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारे यूट्यूब चैनल का दुनिया की सबसे आसान रेसिपीज़ का, उसको चेकआउट करना मत भूलें। और यूट्यूब वाले दोस्त ज़रूर हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले सबसे बढ़िया फ्लेवर की क्विजींस सिर्फ डिलीशियस फूड पे ही। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा चलता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से इस वीडियो में कैसे इस सैंडविच को अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा और बढ़िया से फिर परोस दिया जाएगा मेहमानों के लिए या फिर अपने खुद के खाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।